वहां साहब, उम्मे अब्दुल्ला का ये हमें सवाल मौसूल हुआ है कि मेरा सवाल ये है कि अगर एक खावन दूसरी शादी कर ले और पहली बीवी को ना तो कोई खर्चा दे और ना कोई राबता रखे, जबकि एक बच्चा भी हो जिसको उसने देखा भी ना हो, बीवी काम करके अपना गुजारा खुद चलाती है, खावन 5 साल के बाद आता है और माफी मांगकर बीवी के साथ रहना चाहता है, तो क्या इनका निकाह अभी बाकी है या दोबारा निकाह करना होगा? मैंने पढ़ा है कि निकाह 4 साल के बाद खत्म हो जाता है। 4 साल के बाद निकाह खुद ब खुद खत्म नहीं होता। अगर औरत जो है ना वो समझ जाए कि मेरी खबर नहीं लेता, ना कोई खर्चा देता, तो हालात से तंग आ जाए, तो उसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना जरूरी है ना, कि अदालत की तरफ रजू करे, अपना मामला वहाँ पेश करे, और अदालत पूरी तरह छानबीन के बाद इश्तिहार दे, हर तरह तसल्ली करे, उसको खबरदार करने की कोशिश करे। अगर बिल्कुल मुमकिन ना हो तो फिर काजी को ही इख्तियार है कि वो निकाह को ख़त्म कर दे और उस बच्ची का निकाह जो ना वो तनसीख कर दे। अपने तौर पर बेशक 100 साल बैठी रहे ना, इस तरह निकाह नहीं खत्म होता, ना वो नया निकाह कर सकती। मौलाना इसी खामत से तलाक दे या अदालत निकाह को तनसीख करे, इसी